हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्टाग्राम हिंदी पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन सी दो गलती करोगे तो आपका इंस्टाग्राम पेज कभी ग्रो नहीं होगा। इस दो गलती को अवॉइड करना। अगर ये दो गलती में से अगर एक गलती भी आप कर रहे हो तो आपका इंस्टाग्राम पेज बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली गलती की। पहली गलती है वो जो है रील्स से रिलेटेड। जब भी आप रील्स वीडियो डालते हो तो कभी भी एक साथ दो वीडियो अपलोड मत करना। मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आप अभी वीडियो अपलोड कर रहे हो, मतलब एक साथ दो अपलोड जल्दी जल्दी, जैसे एक वीडियो अपलोड की दूसरी वीडियो अपलोड कर दी, तो रील्स पे दो वीडियो लगातार जल्दी जल्दी बिल्कुल अपलोड मत करना एक साथ। मतलब मेरे कहने का मतलब एक साथ दो वीडियो बिल्कुल अपलोड मत करना। जैसे बहुत लोग होते हैं कि हाँ, दो वीडियो बना दी, पहले एक अपलोड कर दी, फिर उसके बाद तुरंत ही दूसरी अपलोड कर दी। इस तरीके से कभी मत करना। हमेशा एक बार में एक वीडियो डालना, और जब दूसरी वीडियो अपलोड करने से पहले, पहले वीडियो डालने के बाद दूसरी वीडियो अपलोड करने के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रखना चाहिए। 4 घंटे का गैप रखिएगा दूसरी वीडियो डालने पर। अगर 3 वीडियो एक दिन में डालते हो तो 4-4 घंटे गैप में डालो, 2 वीडियो डालते हो तो 4-4 घंटे गैप में डालो। एक वीडियो से दूसरे वीडियो अपलोड करने के बीच में 4 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक साथ दोनों रील्स वीडियो डाल दोगे, एक साथ एक ही समय पर 2 वीडियो रील्स की डाल दोगे, तो उसमें से सिर्फ एक ही चलेगी। मैं 100% गारंटी दे के कहता हूँ, आप डाल के देखो, आप उसमें से एक ही वीडियो में व्यूज़ आएगा, दूसरे रील्स वीडियो में व्यूज़ नहीं आएगा। चाहे दोनों वीडियो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनाई है, बहुत ही गजब की रील्स वीडियो भी बना लो आप, फिर भी 2 वीडियो एक साथ अपलोड करोगे तो उसमें एक ही भी चलेगी, एक नहीं चलेगी। एक ही में व्यूज़ आएगा, एक में व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी एक साथ 2 रील्स वीडियो अपलोड मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी गलती की। जो दूसरी गलती ये है कि बहुत लोग को मैंने देखा है अपना इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं एक कैटेगरी में, ठीक है, उस कैटेगरी में अगर ग्रो नहीं हो पाते, मेहनत करते नहीं चलता, तो उसी पेज को नाम बदल के दूसरी कैटेगरी का बना देते हैं, फिर वो नहीं चलता, फिर उस पेज को नाम बदल के तीसरी कैटेगरी का बना देते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। अगर ये गलती करोगे तो कभी भी आपका इंस्टाग्राम पेज ग्रो होने वाला नहीं है। इस बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड पेज खोल रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड पेज खोल रहे हो तो बिजनेस ही उसमें डालिए। अगर आपको जैसे बिजनेस रिलेटेड आपने पेज खोला इंस्टाग्राम का, वो नहीं चला, तो उस पेज का नाम बदल के उसका निश मत बदलिए। उस पेज का नाम बदल के उसको दूसरा कैटेगरी का निश मत बनाइए। बल्कि आपको दूसरे निश पे काम करना है तो आप दूसरा पेज खोलिए, लेकिन उस पेज पे नहीं, ठीक है। कभी भी एक पेज को दो निश का ना बनाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत लोग कहते हैं बिजनेस का पेज बनाए, नहीं चला तो उसका नाम बदल के उसको कुकिंग का पेज बना दिया, फिर नहीं चला तो उसको फिर नाम बदल के उसको रोस्ट का पेज बना दिया, फिर नहीं चला तो उसको नाम बदल के उसको फैट का पेज बना दिया। तो इस तरह कभी नहीं। अगर आप बिजनेस पेज चला रहे हो और आपका बिजनेस पेज नहीं चलता है, तो उस अगर आपको दूसरे कैटेगरी में काम करना है तो उस पेज को छोड़ दो। तो अगर आपको फैक्ट, अगर मान लो जैसे कि आपको बिजनेस पेज नहीं चला, आपको फैक्ट पेज चलाना है, उसके बाद बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका फैक्ट पेज चलाना चाहते हो, तो उस बिजनेस पेज का नाम बदल के उसको फैक्ट पेज मत बनाओ, एक दूसरा फैक्ट का पेज बना लो, नया फ्रेश अकाउंट बना लो, उसमें डालो, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट को बदल के, उसका निश बदल के उसको दूसरा पेज ना बनाओ। बिजनेस का पेज है आपका नहीं चल रहा है तो उसको बदल के फैट का पेज ना बनाओ, ठीक है। जिस निश पे शुरू करे हो उसी निश पे ख़त्म करो, और अगर उस निश पे नहीं चल रहा है तो उस पेज को मत बदलो नाम बदल के चेंज करके, बल्कि दूसरा फ्रेश अकाउंट बना लो अगर आप दूसरे निश में काम करना चाहते हो, ठीक है। ये बात दिमाग बैठा लीजिए, ठीक है। तो कभी भी किसी पुराने पेज को बदल के नए निश पे मत ट्रांसफर करिएगा। नए निश पे काम करना है तो अलग से फ्रेश अकाउंट बना लीजिएगा। तो ये दो गलती कभी मत करिएगा। अगर आप दोनों में से एक भी गलती करते हो तो आपका इंस्टाग्राम पेज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।